मंगलमय मंगलकरण तीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब जीव की और कर्म की व्यवस्था यहाँ से बताई जा रही है। कर्म बंधन का निदान मूल चर्चा है, तो वैसे तो जीव का ही निदान चल रहा है। जैनेतरों ने जीव की सत्ता अनेक अनेक प्रकार सिद्ध की है। चार वाक तो पंच महाभूतों से जीव की सत्ता मानते हैं आदि आदि, और फिर मरना मतलब वह हमेशा के लिए जीव का ही नाश मानते हैं। वे मानते हैं जीव पुनः पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। फिर जैनेतरों ने बंध और मोक्ष को लेकर भी अनेक अनेक तर्क वितर्क किए हैं, जिसमें जैनेतर में प्रमुख तो बाहुल्यता से ईश्वर कर्तावाद खड़ा होता है, जिसमें सब कुछ सूत्रधार सृष्टि का नियंता एक ईश्वर को देखा जाता है। और यहाँ पर ये बताया जाता है जीव स्वयं ही बंधता है और स्वयं ही छूटता है, जैसे मकड़ी स्वयं ही जाल में फंसती है और चाहे तो स्वयं ही निकल सकती है। वह बंदर स्वयं ही बंधा है और स्वयं ही छूट सकता है। कौन बंदर? किर मरकट सी गहल अनंत वाला मरकट। कौन सा मरकट? वह जो जिसने घड़े में हाथ डाला है चने लेने के लिए और चिल्ला रहा है मैं बंधा और मुझे इस घड़े ने बांधा। ये अज्ञानता है उसकी। वो स्वयं अपने चने के मोह के से बंधा है। वो मोह छोड़े तो आज भी छूट जाएगा। कीर, कीर मतलब ये तोते वगैरह होते हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए एक नली लटकाई जाती है पेड़ों के ऊपर ऊंचाई पर, जिसमें वो जैसे ही पक्षी उस नली पर बैठे वो नली एकदम घूम जाती है। अब घूम जाती है वो ऊपर 20-30 फुट से फुट के ऊपर ऊंचाई पर रहती वो नली। वो जो बहेलिया लोग होते हैं वे जानते हैं कि पक्षी जरूर इस आकर बैठेगा इस नलिनी पर, पाइप जैसी चीज पर, और जैसे ही बैठेगा वो बाय नेचर वो पाइप घूम जाता है और वो एकदम उल्टा हो जाता है। कीर, कीर कह रहे उसको पक्षी को, कीर मरकट सी गहल अनंत। अब वो बहेलिया उस पाइप को नीचे नीचे लेता रहता है हंसते हंसते एकदम, उसको स्वप्न में भी नहीं लगता अभी उड़ेगा। और कितना आश्चर्य है, वो मन करे तो अभी उड़ सकता है, लेकिन क्यों क्या मालूम उसको ये लगता है इस पाइप ने मुझे पकड़ लिया। ये जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो बंध भी स्वाधीन रूप से करता है और मुक्त भी स्वाधीन रूप से होता है। जीव किसी के हाथ की कठपुतलियां नहीं है। इसलिए हमेशा एक बात मैं कहता हूँ राहुल सांकृत्यायन की, जो ये कहता है जैनियों के भगवान ने जैनियों को क्या दिया, सर्वोत्कृष्ट चीज दी होगी, तो जैनियों के भगवान ने जैनियों की बोलो भगवान की भी गुलामी से छुटकारा दिला दिया कि मोक्ष हमारे अधीन नहीं होगा, वो आप ही बंदे हैं और आप ही मुक्त होंगे। ये ऐसी कर्म की व्यवस्था जैनेतरों में स्वीकृत नहीं है। प्रकृति विधि ऐसे जितने भी टर्म्स जैनेतरों में आते हैं वे ईश्वर के अर्थ में है, विधाता आदि। हमारे यहाँ विधि विधाता प्रकृति ये सब कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं आदि आदि जितने भी नाम होंगे।
तो ये सब कर्म रचित व्यवस्था है, इसलिए समन्त भद्र स्वामी को ऐसा कहना पड़ा कि कुशला कुशलम कर्म परलोकश्चन क्वचित एकांत ग्रह रक्तेशु नातः स्वपर वैरिषु, कि जैनेतर में पुण्य पाप की और बहु भवंतरों की जितनी भी चर्चा है उसका कोई आधार नहीं है और जैन में ये पूरी चर्चा बिल्कुल ठोस मिलती है। तो यहाँ पर दश करण आपको मिलेंगे, उत्कर्षण अपकर्षण आदि ऐसे कहीं ये प्रकरण नहीं मिलेंगे। कर्मों की इतनी सटीक फिलॉसफी है, आयु बनती है, कब बनती है, कितने आठ अपकर्ष कालों में बनती है, जीव वहाँ पर परिणाम करेगा, कौन से परिणाम करता है तो कौन से आयु बनती है, बहुआरंभ बहु परिग्रह करेगा तो नरक आयु में जाएगा आदि आदि, और बहुत सारी बातें हैं। फिर उसका आयु की स्थिति का घटना बढ़ना एक एक चीज वन एंड ऑल पर बहुत चर्चा की है। और महाभाग्य से अपने अपना प्रथम श्रुत स्कंद है, षटखंडागम कहो अथवा कषाय पहुड़ कहो, ये पूरे कर्मनियोग के मैटर से ही भरा है। ये पूरे कर्म फिलोसफी के रूप में बहुत समृद्ध है जैन दर्शन। तो ये पूरे कर्म की चर्चा यहाँ से हुई। अभी कर्म बंधन का ही निदान वैसे चर्चा तो अभी भी चलेगी, आज अंतिम चरण में ये चर्चा चलेगी, आज ये प्रकरण एंड होगा और कल नया प्रकरण की तरफ एक ट्विस्ट लेंगे, है ना। तो देखिए आज अंतिम प्रकरण डील करना है द्रव्य कर्म भावकर्म नौकर्म की एक संक्षिप्त विषय वस्तु बताई जाएगी अब यहाँ पर। तो क्या है द्रव्य कर्म भावकर्म? तो बहुत सिंपल परिभाषा इन्होंने दी है, जो पुद्गल द्रव्य रूप होता है वो द्रव्य कर्म, और भाव कर्म जो अशुद्ध भाव रूप होता है वो भाव कर्म, और जो पुद्गल द्रव्य रूप होता है वो परमाणुओं से बना है, अनंत द्रव्यों का पिंड है, और जो अशुद्ध भाव है वो है जीव की अपनी परिणति है, विकार भाव है, और इन दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। भाव कर्म कहने में द्रव्य कर्म आएगा, द्रव्य कर्म को परिभाषित करने में भाव कर्म आएगा। क्या कहा? इनकी परिभाषाओं में इतर इतर आश्रय जरूर आता है। बात को पूरी करो, बात को पूरी करो, लेकिन इनका होना परस्पर आश्रय रूप नहीं है। क्या बोला मैंने? जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल द्रव्य कर्म की परिभाषा करो तो ये कहेंगे जीव के मोह राग द्वेष आदि के निमित्त से जो कारमान वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है वो द्रव्य कर्म है। अब भाव कर्म क्यों करो? द्रव्य कर्म के उदय से जीव का जो विकारी परिणाम होता है उसे भाव कर्म कहते हैं। तो एक दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है परिभाषा करने में, लेकिन यहाँ पर एक दूसरों का आश्रय नहीं है इसमें, याद ख्याल में है ना आपको? वो उसका ये कहना था तीन चार दिन पहले, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ऐसे यदि कहेंगे तब तो आपत्ति होगी, इतर इतर आश्रय दोष आएगा। टोडरमल जी ने तब कहा था इतर इतर आश्रय दोष इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जिस कर्म के उदय से भाव कर्म कर रहा है और उसी भाव कर्म से जो नए द्रव्य कर्म बन रहे हैं, ये दोनों द्रव्य कर्म अलग अलग है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? ये दो तीन दिन पहले चर्चा आई थी और निराकरण किया था इतर इतर आश्रय दोष नहीं है। कितने जन को याद है ये प्रसंग? ठीक है, मतलब कहने की बात यह है छूटने की चाबी स्वयं जीव के पास बनी रही है। अभी आज भी ऐसा ही थोड़ी सी बात करते हैं, ये कहते हैं अनादि से ऐसा चक्र चल रहा है ये द्रव्य कर्म भाव कर्म का, इनमें आपस में ऐसा ही कारण कार्य संबंध हो रहा है। यहाँ पर कारण कार्य संबंध मतलब क्या कहेंगे? निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना, और बराबर संसार चक्र में ऐसा परिभ्रमण कर रहा है जीव। ओके, लेकिन जितने में थोड़ी सी एक बात उठा रहे हैं, हाँ लेकिन इतनी बात जरूर है कह रहे हैं कि कोई ये भ्रम ना पाले। फिर क्या भ्रम ना पाले? क्या भ्रम ना पाले? क्या भ्रम ना पाले? बोलिए, ये भ्रम ना पाले कि ये चक्र कहीं खंडित नहीं होगा। ऐसा होता ना बहुत बार, मैं कहता हूं देखो जैसे एक कोई सैशेट है, मान के चलो ये कोकोनट ऑयल का एक सैशेट है, समझ रहे हो, पैकेट एक रुपए का एक पैकेट है, टी साइलेंटर के बात करते, कोई बात नहीं। अभी देखिए उसको अपने को तेल निकालना है बाहर, अब तेल निकालने के लिए आप कहीं से भी उसको जोर लगाओगे ऐसे नहीं निकलता वो,
एक पर्टिकुलर वीक पॉइंट पर उसको अटैक करना पड़ता है, ठीक है। और भी बीच में वो बॉटल्स आती थी पर्टिकुलर, एक ये शायद वो पर्टिकुलर कोको कोला वगैरह की ये टिन्स आते थे, टिन कैन कैन अभी भी आता है, अभी भी आता है वो। तो उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, बराबर उसको प्रेस किया जाता है, अन्य पॉइंट को प्रेस करने से काम नहीं चलेगा। इवन फ्रूटी वगैरह है उसमें तो स्पष्ट दिखता है वो गोल। अथवा देखे देखे जैसे वो एप्लीकेशन कोई दिया जाता है तो उसको चाहे जहां से नहीं फाड़ना, उसमें होल 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 बनाए जाते हैं, बस वहां पर आप हाथ रखो बराबर वो होगा। कहने की क्या बात है, वो वहां पर एक साइन भी बना रहता है सीजर्स का, अदरवाइज टेयर हियर ऐसा लिखा रहता है वहां पर, कट हियर जो भी होता होगा। अभी कहने की बात यह है, उसकी एक सिंपल ट्रिक होती है किसी भी चीज की। अब वो द्रव्य कर्म से भाव कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म से द्रव्य कर्म, उसका वीक पॉइंट कौन सा है जिसको तोड़कर वो चक्र खत्म हो सकता है। तो वो टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसा भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है, ये चक्र चलता रहेगा। कारण इसका ये है, वे कहते हैं क्योंकि जीव के परिणाम एक शरीर के नहीं होते, तीव्र मंद होते रहते हैं, और फिर इसीलिए उसको लेकर जो नवीन कर्म बंधन होता है वो भी तीव्र मंद होता रहता है। एक तो कहते तीव्र, जैसे तीव्र बंद हुआ तो उदय आएगा, तीव्र में तीव्र ही उदय आएगा फिर तो उसका, नहीं कह रहे जरूरी नहीं है, कह रहे तू यहां पर भाव करता है तो उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है, संक्रमण होता रहता है उसका, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो मंद उदय आएगा फिर उसका, कहते हैं मंद उदय आएगा फिर तू वहां पर भी स्वतंत्र है। वहां पर यदि तू मंद उदय में मंद भाव करते तो मंद बंद होगा, और यदि मंद उदय में तुम तीव्र भाव करोगे फिर तीव्र बंद हो जाएगा, और फिर तीव्र बंद हुआ है तो परिणामों में कुछ सुधार नहीं हुआ तो तीव्र ही उदय आएगा। लेकिन तीव्र उदय में भी तुम स्वयं को संभाल पाओ अच्छे से तो वहां पर भी जरूरी नहीं है तुम्हें तीव्र ही भाव करने पड़ेंगे, मंद भाव करके भी तुम्हारा रास्ता निकल सकता है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं थोड़ी महत्वपूर्ण बात भी दिखाऊंगा इसमें कंफ्यूजन जैसी क्या बात लगती है पढ़ने पर, और वैसे कायदे से नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन इनके पढ़ने पर ऐसे जरूर लगता है, क्योंकि रास्ता हमको बीच में खोलना है कहीं ना कहीं, और वो रास्ता कहाँ खुलेगा वो हमको देखना। देखिए मंद उदय है, अब मंद उदय है, इस मंद उदय में वो एकदम विशुद्ध विशुद्ध परिणाम में लग जाए, एकदम विशुद्ध विशुद्धतर विशुद्धतम परिणाम में लगे, और जो उदय है वो भी थोड़ा पतला 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 होता जाए, और वो वर्तमान परिणाम के निमित्त से भी पतला हो सकता है, विशेष और पतला होगा, और पतला होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उदय बिल्कुल हट जाएगा, और वह पॉइंट होगा आत्मानुभूति को, आत्मानुभूति का होगा, बस वहां पर नई श्रृंखला उतनी देर के लिए रुक जाएगी, नई श्रृंखला नवीन बंद ये रुक गया, ऐसा बराबर आगे आगे चलता चलेगा विशेष विशेष पुरुषार्थ से, तो नवीन 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 कर्म बंधन रोकता चलेगा, पूर्व में बांधा है वो आकर खिरता जाएगा, नवीन कर्म बंध की प्रक्रिया रुक जाएगी। जो इसका प्रश्न था भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म तो बंधेगा, ये एकांत नियम है, लेकिन द्रव्य कर्म से भाव कर्म होगा ये नियम नहीं है। बाजी अपने हाथ में है, जीव के हाथ में पूरी बाजी है, और भाव कर्म करेगा तो द्रव्य कर्म इसलिए बंधेगा, उसकी अपनी अकाट्य न्याय की तुला है पुद्गल के, जिस डिग्री में विकार क्या है उतनी डिग्री में वहां पर वो रिकॉर्ड में उतना बंद हो जाए चढ़ जाता है। हां, और वो उतना फल भी देगा मोटे मोटे तौर पर, यदि संक्रमण आदि नहीं हो तो फल भी देगा, लेकिन तुम्हें तीव्र उदय के अनुसार तीव्र रिएक्ट करना तुम्हें जरूरी नहीं है, तुम्हें ही रुकना पड़ेगा, तुम्हारी तरफ से वो अप्रोच होगा, पहला अप्रोच, पहला कॉम्प्रोमाइज ये तुम्हारी तरफ से होगा। आप समझते हैं, पहला कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा किसके लिए, वो चक्र टूटने के लिए कभी भी पहला कदम कर्म उठाने वाला नहीं है, समझ में आता है। और उसमें कैसा होगा, एकदम मंद उदय होगा, उस मंद उदय में भी करना पड़ेगा तत्व निर्णय, तत्व निर्णय में उत्तर उत्तर परिणाम लगा, उत्तर उत्तर परिणाम लगाए उदय और ढीला पड़ेगा और ढीला पड़ेगा और ढीला पड़ेगा, खुल जाएगा वहां पर, खुला और यहां पर आत्मानुभूति होना ये एक ही काल होगा, वहां पर नवीन कर्म बंध रुक जाएगा।
तो देखिए व्याप्ति तो ऐसी घटित होगी जहां जहां भाव कर्म है वहां वहां द्रव्य कर्म का उदय है, ये बात पक्की। क्या क्या? जहां जहां भाव कर्म है वहां वहां द्रव्य कर्म का उदय है, लेकिन जहां द्रव्य कर्म का उदय नहीं, सॉरी हां जहां द्रव्य कर्म का उदय नहीं वहां पर भाव कर्म नहीं। समझ में आता है? अगेन, जहां जहां भाव कर्म है वहां वहां द्रव्य कर्म का उदय है, ये अन्वय व्याप्ति। व्यतिरेक उल्टी लगाते हैं, देखो जहां जहां धुआ वहां वहां अग्नि, अन्वय व्याप्ति। अभी निगेटिव व्यतिरेक व्याप्ति अभी ऐसे लगाने पड़े, जहां अग्नि नहीं वहां धुआं नहीं। अन्वय के लिए धुएं से चालू करना, व्यतिरेक के लिए अग्नि से चालू करना। जहां जहां साधन वहां वहां साध्य है, जहां साध्य नहीं वहां साधन नहीं। इसकी व्याप्ति कैसे लगेगी? जहां जहां भाव कर्म हुआ है, जहां जहां विकार हुआ है, वहां पर अवश्य रूप से द्रव्य कर्म का उदय है ही। और उल्टा बोलो व्यतिरेक, जहां द्रव्य कर्म का उदय नहीं वहां भाव कर्म नहीं। ऐसी व्यक्ति नहीं लगना लगाना, कैसी बोलिए? जहां जहां द्रव्य कर्म का उदय है वहां वहां भाव कर्म है, और जहां भाव कर्म नहीं वहां द्रव्य कर्म नहीं। ऐसी व्यक्ति लगाने में क्या आपत्ति पड़ेगी? जहां जहां द्रव्य कर्म का उदय है वहां वहां भाव कर्म कहेंगे तो जीव का रास्ता कभी भी नहीं खुलेगा। रास्ता तभी खुलता है जब उदय रहते हुए नवीन भाव कर्म न होवे। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वहां पर वो रास्ता खुल जाता है। ठीक है, अभी देखिए मैं और थोड़ा सा आपको बताऊं। देखो आप सब जानते हैं, एक सैंपल में दिखाता हूं, नवे गुण स्थान में, ये मैंने किसी को लिया होगा किसी बैच को, तो मुझे पता नहीं है वैसे। नवे गुण स्थान तक मोहनीय का बंध होता है, सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। दसवें गुण स्थान तक मोहनीय का उदय रहता है। क्या बोला मैंने? ये समझने के लिए यह पॉइंट खड़ा करो थोड़ा सा। दसवें गुण स्थान में मोहनीय का तो उदय है लेकिन बंद नहीं है मोहनीय का। ठीक है, मैंने दो चार दिन पहले कहा था ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय दसवें गुण स्थान तक बनते हैं और मोहनीय नवे तक ही बंधता है, ऐसा बोला था मैंने। बंद बिच्छुती उसकी बोला था मैंने, नवे तक ही बंधता है, और वो भी चरित्र मोह, हालांकि क्योंकि दर्शन मोह तो पहले में ही बनता है, चरित्र मोह बंधेगा नवे तक, और चरित्र मोह में भी फिर वो जो नो कषाय वगैरह ये नहीं लेना पड़ेगा, क्रोध मान माया लोभ ये आएगा यहाँ पर। समझ रहे हैं सब मेरी बात को? अभी देखिए यहाँ पर होता क्या है, एक्चुअली दसवें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का उदय है। ओके, एक्चुअली दसवें गुण स्थान में उदय तो है, वहां के जो मुनि है वे मोह तो करते हैं, सूक्ष्म लोभ कहते हैं उसको, गुणस्थान का भी नाम है सूक्ष्म सांप्राज्य, सूक्ष्म लोभ भी करते हैं, लेकिन इतना सूक्ष्म होता है वो कि वो नवीन बंध में कारणभूत नहीं होता। उसके लिए तत्व और सूत्र में एक सूत्र है, न जघन्य गुणानाम। पुद्गल का भी एक नियम है कि जब जघन्य शक्ति के अंश रह जाते हैं तो वहां पर बंद नहीं होता। क्या कहा मैंने? क्या कहा? आप जानते हो बंद होता है, दो परमाणु है आपस में खड़े, आपस में बंद तो पुद्गल में ही होता है, और पुद्गल में भी होता है बंद, वह भी स्पर्श गुण की पर्य को लेकर होता है, स्पर्श गुण के स्निग्धत्व और रुक्षत्व को लेकर होता है। तो स्निग्धत्व का जैसा एक गुण है, स्निग्धत्व का कितना गुण है? एक, तो डेफिनेटली अब ये किसी को नहीं जुड़ेगा। अतः रुक्षत्व का भी एक गुण है शक्तिकांश, तो डेफिनेटली वो किसी के साथ बंद नहीं करेगा, उसको दो कम से कम होना जरूरी है तो वो बंद करेगा आगे, शक्तिकांश दो। मैंने कभी लिया था किसी को ये नाइन्थ वालों को लिया था मैंने, ये पिछले साल कुछ सूत्र पांचवा दे के मैंने उसमें कहा था ये प्लस टू चाहिए तो बंद होता है, ऐसा कुछ लिया था कुछ ज्ञान में। नहीं, देवगम स्तोत्र में क्या लिया इसमें? नहीं, इसमें क्या लिया प्लस टू? मैंने ये कहा कि प्रवेशिका में वो चला क्या पॉइंट कि स्निग्धता के दो गुण, और यहाँ पर रुक्षत्व या स्निग्धता के प्लस टू में चाहिए तो वो बंद होगा, टू का डिफरेंस होना चाहिए, टू का, और एक नियम चाहिए। एक नियम ये है
कि एक होगा तो भी बंद नहीं होगा और प्लस थ्री या वन होगा तो भी बंद नहीं होगा, ये दो नियम है उसके। कहने की बात मेरी इतनी सी है, कोई बताएगा अभी मुझे क्या कहने, कोई सिद्धांत बताएगा एक जन, और कोई बताएगा, और कोई सिद्धांत मुझे चाहिए, सिद्धांत बोलो। ठीक है, उसको हेतु क्या दिया आपने, बोलो मत को यार। वेरी नाइस, न जघन्य गुणानाम, ऐसा एक सूत्र आया तत्व सूत्र में जिसमें कहा कि यदि जघन्य गुण पहुंच जाए, जघन्य गुण मतलब लीस्ट, व्हाट मे बी द लीस्ट, शक्ति के अंश यदि वन रहता है, शक्ति के अंश गठबड़ होता है ना, शक्ति के अंश गठबड़ होते हैं अवगुरु लघुत्व गुण को लेकर, तो बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाते हैं, घटते घटते एक तक आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं, जीरो तो कभी नहीं होगा वो, तो घटबड़ निरंतर अगुर लघु तो गुण के कारण शक्ति के अंश अविभाग प्रतिच्छेद जिसे कहते हैं वो निरंतर घटबड़ होते रहते हैं, घटते घटते एक तक आए बस, उसका नवीन बंध नहीं होगा। यदि वो एक के दो होंगे शक्ति के अंश अपने आप, बस अभी प्लस टू का कोई भी जोड़ा मिलेगा बस उसको फ्यूजन हो जाएगा उसका भी। आप सब समझ रहे मेरी बात को, जैसे पुद्गल में होता है वो बहु जीव में व्यवस्था ऐसी ही है। न जघन्य गुणा नाम, इतनी थोड़ी कशा है दसवें गुण स्थान में, दैट इज नॉट अ रीजन फॉर न्यू बंध, नवीन बॉन्ड वहां पर तैयार नहीं होगा। तो कहते न जघन्य गुणा नाम, मैंने एक उदाहरण दिया था इसके लिए, याद आ रहा होगा आपको, यदि चलाया होगा आपको तो तत्व सूत्र में तो मैंने लिया था, मैंने कहा था कि जैसे पानी बरस रहा है और हमारे पास पैसे है 1,00,000 रुपए की गड्डी है और पानी में खूब भीग रही है, तो हमने यहाँ वहां देखा तो सामने एक पॉलीथिन की दुकान थी, होलसेल पॉलीथिन बेचते हैं, पॉलीथिन की दुकान होती है ना, होलसेल बेचते हैं। तो वहां पर अपन गए और कहा साहब पॉलीथिन देना, तो वो पहले पूछेगा, क्या पूछता है, कितना क्विंटल चाहिए, कितना किलो चाहिए, तो कैसे वो कहते हैं साहब किलो फिलो नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी नोटी भीग रही, मुझे एक चाहिए। कह रहे एक चाहिए आपको, आप कैसे दू कैसे दू, उसको भी बहुत बड़ी तकलीफ है कैसे दू, तो बराबर वो जो पैकिंग बने हैं ऑलरेडी, लूज तो है नहीं उसके पास, तो उसी में से लूज एक निकाल के वो उसी में से छेद करके निकाल के हाथ में पकड़ा देता है। अब तो फिर वो सज्जनता से पूछता है साहब कितने देने इसके, 1 रुपये 2 रुपये कितने, तो कहते इसके कितने लेने पैसे, रहने दो रहने दो, तो नहीं साहब आपका माल गया, साहब हमारा क्या माल गया, उस अभी भी उस गट्ठे को रखो कांटे पर तो 1 किलो से क्या कम दिखाएगा क्यों, अरे वो कुछ नहीं के बराबर घटा है उसका, 1 किलो कुछ नहीं घटा, कह रहे ले जाओ ले जाओ, तो इतने का क्या पैसा लेना। तो अपन ये सोचे अरे ये फ्री बांटता है तो एक बंडल दे दो, फिर ऐसा चलेगा क्या, फिर क्या हेतु क्या दे रहा हूं मैं, न जघन्य गुणानाम। तो देखिए दसवें गुण स्थान में कषाय तो करता है सूक्ष्म लोग, मुंह को उदय भी है और करता भी है, लेकिन वो नवीन बंध में कारण नहीं होने से ये कहने में आता है कि वह भाव कर्म नहीं करते। तो नहीं करते तो निष्कर्ष ये बोला जाता है द्रव्य कर्म का तो उदय है लेकिन भाव कर्म नहीं होता वहां पर, और जित फिर अभी भाव कर्म नहीं करेगा ना, बस अभी द्रव्य कर्म का उदय भी चलो 11वें गुण स्थान में उदय भी खत्म हो जाता है। 11वें गुण स्थान में उदय भी है क्या, बिल्कुल नहीं है, बस अभी पहले अप्रोच जीव ने किया, एकदम मद्दा हुआ वो, अपन को जीरो ही हो गया। क्यों कह रहे जीरो, क्योंकि वो मद्दा इतना ही कि उससे कुछ ही नवीन बंद नहीं होता, तो एज गुड एज जीरो ओनली, तो एज गुड एज जीरो ओनली जो हुआ है अभी उदय भी सेकेंड समय में उदय बिल्कुल स्टॉप होगा, वो होगी उसका वो एकदम अभी जो उदाहरण दे रहे उसके अकॉर्डिंग अपन चले, वो होगी उसकी उपशांत कषाय की दशा, उपशांत मोह की दशा, जहां पर कोई उदय नहीं चल रहा है वो वितरकता की दशा। और ऐसा हरेक गुणस्थान में अपने अपने स्तर पर लगा लेना, कुछ पकड़ रहे आप, हरेक गुणस्थान में अपने अपने स्तर पर कैसे लगाएंगे कोई बताएगा, हर गुणस्थान में जैसे पहले गुणस्थान से चौथे में आना है कैसे आता होगा, वहां पर भी ऐसा ही होता होगा, वहां पर अभी उदय है, उदय है मोह का, जैसे मान के चलो 90 डिग्री उदय है, तो ये रिएक्ट के रूप में पुरुषार्थ
80 डिग्री करता है, 80 डिग्री कशे देगा ये, तो बराबर 80 डिग्री करेगा तो 80 डिग्री बंधेगा वहां पर। अब वो फिर 80 डिग्री उदय में आएगा, अब वो तो कब आएगा? अपन ये मान के चलो जो सीरियल चल रही थी तो उसी में पुरुषार्थ उसका चल रहा है, अभी 80 आया तो उसने उसको फिर रिएक्ट के रूप में वो 70 किया, 70 आया 60 किया, 60 आया 50 किया, वो पुरुषार्थ कर रहा है। अब 50 आए तो 20 भी कर सकता है, अथवा 50 आए तो 100 भी कर सकता है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन पुरुषार्थी जीव तत्व ज्ञान में लगा है तो बराबर वो घटता जा रहा, तो घटते घटते फिर 10 का उदय होगा तो मान के चलो इसने 5 किया। अब मशीन 5 को एक्सेप्ट नहीं करती उतना, तो उतना एक्सेप्ट नहीं करती तो दैट विल बी वो फिगर दिखाएगा 0 ही दिखाएगा वो, तो आगामी समय में नवीन उदय नहीं दिखेगा वहां पर। समझ में आते? जैसे पहले गुणस्थान में से दर्शन मोह हटना है, चौथे में आना है, तो वहां पर यही प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होगी वहां पर? वो दर्शन मोह को उदय धीरे धीरे मंदा पड़ता जाएगा, इसका पुरुषार्थ उत्तर उत्तर बढ़ता जाएगा, फिर अंतिम पॉइंट होगा वहां पर क्या होगा कोई बताएगा? वहां पर उदय तो है और यहां पर इतना किंचित मोह करेगा, इतना किंचित, वो नवीन बंध में कारण नहीं होगा और आगामी समय में वो उदय भी नहीं रहेगा वहां पर। समझ में? और वो फिर उतने पार्ट के लिए ऑप्शन सम्यक तो एंजॉय करेगा, वो चौथे गुण स्थान में आया वाला होगा। अब चौथे में पांचवें में जाना है, वहां पर क्या होगा? चौथे का पांचवें में, चौथे में अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय चल रहा है, वहां पर अप्रत्यक्ष अनावरण का उदय चल रहा है, ये बराबर पुरुषार्थ में लगा, तो ये जितना उदय है उतनी डिग्री में कषाय नहीं करता। क्या बोला मैंने? वो लेस डिग्री के कर रहा है। अब मैं डिग्री टू डिग्री का अभी थोड़ी देर में खड़ा हो रहा हूं, मैं अभी पहले इसको सेटल करते, लेस डिग्री में किया इसने, फिर आगामी समय में जितने डिग्री का उदय तो और लेस किया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर अप्रत्यक्ष अनावरण का तो उदय है और ये कुछ भी नहीं के बराबर रिएक्ट करता है, तो उसको लेकर नवीन अप्रत्यक्ष अनावरण का बंध नहीं होगा, वही उसका अभी कहो तो नहीं होगा, नवीन बंध नहीं होगा। तो उपचार से कहेंगे उदय तो है अप्रत्यक्ष अनावरण का, लेकिन नवीन रिएक्शन नहीं होगा, नवीन भावक्रम नहीं होगा, नवीन कैशन नहीं होगा अप्रत्यक्ष अनावरण जाति की, बस एडजस्टमेंट समय ही उसका पांचों गुण स्थान एंजॉय करेगा जहां पर अप्रत्यक्ष अनावरण का भी उदय नहीं ही होगा। समझ में आता है? ये बराबर ऐसी प्रक्रिया चलती है। अभी और एक चीज, एक गुरुदेव के काल में बहुत चला कि भाव कर्म और द्रव्य कर्म डिग्री टू डिग्री होता है कि नहीं होता है। क्या बोला मैंने? डिग्री टू डिग्री होता है कि नहीं? तो इसमें यह है, स्यात डिग्री टू डिग्री होता है, स्यात डिग्री टू डिग्री नहीं होता है। अभी स्यात की क्या बात है? जितना भाव कर्म करेगा उतनी ही डिग्री में द्रव्य कर्म बंधेगा। बात सही है? कितने जन को लग रहा है सही है? हाथ ऊपर करो। बिल्कुल ठीक है, इस अपेक्षा से डिग्री टू डिग्री है और जितना द्रव्य कर्म उदय में आएगा उतना ही भाव कर्म करेगा डिग्री टू डिग्री। यह बात सही है? कितने जन को लग रहा है? नहीं। नहीं कहने का क्या हेतु है? नहीं कहने का क्या हेतु है? मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए इसमें। आप वहां आपको ये जगन्य गुणानंद तो है, आपको ये कहना है द्रव्य कर्म के अनुसार भाव कर्म कहने में आपत्ति ये है, फिर जीव की कभी मुक्ति नहीं कहेंगे फिर, और फिर जीव तो कर्म द्रव्य कर्म के हाथ की कठपुतली बन जाएगा, फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या रहा फिर? आप समझ रहे? तो एक बात ये, तो डिग्री टू डिग्री है भी और डिग्री टू डिग्री नहीं भी है। अब दूसरी बात, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं है कोई पूछे तो कह रहे हाँ है। तो कैसा? कि क्रोध यहां पर दिखेगा जीव में तो वहां पर क्रोध का उदय दिखेगा ही दिखेगा, और उदय जहां नहीं दिखेगा
एक बात, जहां पर क्रोध क्रोधी जीव है, क्रोध कर रहा है, उसके द्रव्य कर्म का उदय दिखेगा। कैसे दिख रहा है? आगम से दिखेगा, वो ऐसा आंखों से थोड़ी दिखना हो। और जहां द्रव्य कर्म नहीं है वहां पर क्रोध भी नहीं होगा। जैसे जैसे सिद्ध भगवान, समझ में आता है? अथवा 11-12 गुण स्थान ले लो, द्रव्य कर्म का उदय नहीं है जहां पर, वहां पर भाव कर्म भी होना संभव ही नहीं है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा नहीं होगा। कैसा कैसा? तीव्र उदय है तो तीव्र ही बंद होगा, तीव्र ही उदय है तो तीव्र ही भाव करेगा, ऐसा नहीं होगा। कैसा? तीव्र भाव कर रहा है, सुनो अभी ऐसा भी जरूर नहीं, तीव्र भाव कर रहा है तो तीव्र ही उदय चल रहा है। आप पकड़ो मेरी बात को, यह बात पक्की है, यह क्रोध कर रहा है तो क्रोध का उदय है, लेकिन मंद उदय में तीव्र कर सकता है, तीव्र उदय में मंद कर सकता है, यही उसके छूटने का रास्ता है और विशेष बंधने का, यह उसकी स्वाधीनता है। पकड़ रहे? अभी 2-3 प्रकरण पढ़ूंगा, थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे उसमें। देखो मैं आपको बताऊंगा कंफ्यूजिंग क्या है, यह आप ही को मुझे बताना है। इतना विशेष जानना की मिल रहा है सबको, एक बार ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लेना जरा, अक्षत पढ़ लो। कार्य दोनों है तो कार्य ही, और है तो दोनों अशुद्ध ही कार्य। ये लेकिन ये अनंत द्रव्यों का पिंड रूप अशुद्ध स्कंद है, और ये जीव का विकारी परेरूप कार्य है, द्रव्य कर्म भाव कर्म, और उन्हीं में कारण कार्य लगा रहे। क्या बोला? कौन बताएगा? ये दोनों कार्य में ही कारण कार्य लगा रहे अपन। क्या? दो कार्य में ही कारण कार्य लगा रहे। मैंने आपको कहा था निमित्त उपादान जब चला था, निमित्त और उपाय, निमित्त नैमित्तिक में निमित्त और नैमित्तिक ये दोनों पर्याय ही होती है, याद आ रहा है मैंने क्या कहा था? क्योंकि कार्य हुआ वो तो नैमित्तिक कह रहे हैं, और जिस पर आरोप आ रहा है बाहर नैमित्तिक, वो भी तो पर्टिकुलर अवस्था पर ही तो आ रहा है। स्वभाव तो कारण ही नहीं होता है किसी का, ठीक है? चलो आगे। हाँ पढ़ो। हाँ कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है, ऐसा कंफ्यूजन लगता है। बराबर वो हो रहा है, बराबर हो रहा है, अभी फिर छूटेंगे कैसे? जो अभी अभी 2-3 पेज पहले प्रश्न था। हाँ देखिए अब 311 पेज पहले खोलिए अक्षत, 311 के बाद बचा हुआ फिर पढ़ना है। 311 पर देखिए उसको क्या प्रश्न खड़ा हुआ है, मैं थोड़ा पढ़ू, मिल रहा है सबको? यहाँ प्रश्न है कि तुमने कहा सुसत्य, परंतु द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है, उसी प्रकार अनादि से परंपरा है, तो मोक्ष को उपाय कैसे हो? यही प्रकरण ये चल रहा है, और 3 दिन पहले भी यही प्रकरण चला। पेज नंबर 22 पर फिर से खोलिए, 22 जल्दी देखो, वहां कहा है रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है, और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है, तो वहां तर्क किया है, ऐसे तो इतने इतने जरे दोष लगता है, वह उसके आश्रित, वह उसके आश्रित, कहीं रुकाव नहीं, तब उसका उत्तर दिया। कितने जन को ख्याल में आ रहा है? पेज नंबर 22, पेज नंबर 30, पेज नंबर 311, एक ही प्रकरण है, और प्रकरण यही है, वो चक्र चल रहा है, और फिर बस चलता ही चलेगा। द्रव्य कर्म से जब भाव कर्म हो रहा है, अब जीव क्या क्या तो करेगा? द्रव्य कर्म का उदय, तीव्र उदय आएगा तो तीव्र भाव तो करना ही पड़ेगा, तो होगा ही, फिर हमारा क्या बस चलेगा, हमारा क्या बस चलेगा फिर, ऐसे उसका कहना है। समझ में आता है? तो देखिए कैसे रास्ता कहां खुलता है, अभी देखिए यहां पर पहले चलो कंटिन्यू करो अभी बात, वहां पर भी वही प्रश्न है, उसको भी बाद में पढ़ेंगे, उसका समाधान क्या क्या है देखिए। हाँ इसका कोई खुलासा करेगा?
तो डरमल जी एक रास्ता तो खोलते हैं, क्या रास्ता खोल रहे हैं? वो कह रहे भाई चक्र से कैसे बाहर निकलेंगे, तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि घबराता क्यों है कि अनेक काल में बांधे हुए कर्म एक समय में भी उदय में आते हैं, तीव्र एकदम तीव्र उदय होगा। अब मान के चलो वहां काम नहीं होगा, लेकिन तीव्र बांधा है तो अनेक समय में टूट टूट के उदय में आएगा वो, तो वहां पर एकदम मंदा उदय आएगा, वहां पर भी तुम काम कर सकते हो। और जो तीव्र उदय आने वाला है जिसमें काम नहीं कर सकते हो ऐसी आशंका है, वह भी तो तू संक्रमण आदि करके उसको भी डाइल्यूट कर सकता है, काम वहां पर कर सकेगा। अभी यहां पर एक अखरने जैसी बात क्या है, कोई भी बताए मुझे, अखरने जैसी कुछ बात है इस पैराग्राफ में? एक हाथ ऊपर आया, दो हाथ ऊपर, अभी आपको इनाम थोड़ी मैं बांटता हूं, अभी तो सीधा मार्क्स दूंगा मैं बराबर जो मुझे देने का है ज्ञान में, आपके आंसर शीट में बोलो। दो तीन, तीन हाथ ऊपर है, बोलो इसमें अखरने जैसी क्या बात है? चार पांच छह, अखरने जैसी क्या बात है इसमें ऐसे, और उसका हल कैसे निकलेगा? छह बोलो भाई, बोलो बोलो। हाँ हाँ, क्या बोल रही है, कौन सा पैराग्राफ की बात कर रहा है? वो छह महीने पहले हो गए ना वो पैराग्राफ ऊपर का पढ़ना। चलो अक्षत तुम बोलो। हाँ क्या, कौन सी लाइन, क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या बोलो, इसमें अखरने जैसी क्या बात है? ये तो कोई भी बोलता है भाई साहब, अपने तीव्र बंध कषाय के अनुसार पहले जो बांधे हुए तीव्र बंध कर्म है उनका संक्रमण आदि होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अखरने जैसी बात क्या है इसमें? दो तो एकदम पंक्चर हो गए जगह पर ही, पंक्चर होने की संभावना वालों को मैं पहले उठा रहा हूं, बोलो आगम। बिल्कुल सही बोला है ये, तुमको किसने, इसने कुछ बताया क्या? इसने कुछ बताया क्या? ठीक है, देन शट अप, शट अप योर डर्टी माउथ। हिंट दी थी, हिंट क्या है ये पूरा ही? चलो इसको खोलो, क्या है इसमें खटकने जैसा, बोलो। चलो अब बोलो इसमें खटकने जैसा क्या है? खटकने जैसे क्या बात है? देखो मंद कषाय होगी तो मंद बंद होता है, ये खटकने वाली बात है क्या? तीव्र कषाय होगी तो तीव्र बंद होगा, ये खटकने वाली बात है क्या? खटकने वाली बात ये है तीव्र उदय होने पर तीव्र कषाय होते, ये खटकने वाली बात है। मंद उदय पर मंद कषाय होते, ये भी खटकने वाली बात है। खटकने का पार्ट इतना ही है, तो अभी रास्ता कैसे निकलेगा कौन बताएगा? एक जन बचा भी, अभी रास्ता कैसे निकालेंगे? खटकने वाली मतलब टोडरमल जी ने तो कुछ खटकन नहीं रखी है, इतना तो पक्का दिमाग में चाहिए आप में, तो हम रास्ता कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पढ़ना, क्या समझना है इसमें से? बोलिए, अब बोलो भाई। जब तीव्र उदय आएगा तो अनेक काल में बांधे हुए कर्म जो होंगे एक समय में निकल जाएंगे, तो उसके बाद उसका नए मन रुक जाएगा, तो फिर उसमें से रास्ता निकल सकता है। बेटा इसका ऐसा अर्थ कर रहा, देखिए तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो तब तीव्र ही नवीन बंध हो, अभी इसको उठाओ जरा। तीव्र उदय आए और यदि तीव्र कषाय करे, ऐसा अर्थ यहां पर लेना। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? क्यों तीव्र उदय के अनुसार तीव्र कषाय करने यदि जरूरी हो तो फिर उसकी समस्या तो जहां की तहां बरकरार है, फिर तो कुछ काम ही नहीं जीव का, फिर तो सब रेडीमेड हो जाएगा अपने तक, वहां तक जीव को क्या करना फिर? अरे यहां पर ये कह रहे यदि तीव्र कषाय, यदि तीव्र उदय आवे और यदि जीव भी तीव्र ही कषाय करे,
तो फिर नवीन तीव्र ही बंद होगा, ऐसा इफ की बात है, इफ इफ। लेकिन वो पढ़ने में या ऐसी टोन लगती है कि ही मस्ट डू दैट थिंग, कि तीव्र उदय आएगा तो तीव्र ही करेगा, मंद उदय आएगा तो मंद ही करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को, वेरी नाइस वेरी नाइस। ऐसा अर्थ इसमें से निकालना है आपको, सीधा नहीं निकल रहा है, और निकालने जाओगे तो बिल्कुल गलत जैसा लग रहा है, फिर रास्ते बंद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी 311 पेज का थोड़ा सा पढ़ लेते, 311 पर आइए। देखिए अब यहां समाधान क्या करते, देखो कर्म का बंध मिल रहा है, कर्म का बंध उदय सदाकाल समान ही होता रहे तब तो ऐसा ही है, कर्म का बंध वो उदय सदाकाल समान ही रहे तब तो ऐसा ही हो। तीव्र बंध है फिर तीव्र ही भाव, फिर तीव्र ही उदय, फिर तीव्र तीव्र तीव्र, ऐसे तो दिक्कत है। और मंद दिक्कत इसमें, मंद मंद का तो मूल प्रश्न ही नहीं है, तीव्र तीव्र हो रहे तब तो फिर दिक्कत है कह रहे, लेकिन तीव्र में भी मंद कर सकते, यही है अपना एक रास्ता। कैसे? परंतु परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध कर्म के भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होने से उनकी शक्ति हीनाधिक होती है। एक तो यहां से अप्रोच डाल रहे, एक तो ये काम होगा कर्म की तरफ संक्रमण आदि, तो उदय तीव्र ही तीव्र रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं, वो मंद भी ऐसा आते रहेंगे, और इसलिए उनका उदय भी मंद तीव्र होता है, उनके निमित्त से नवीन बंध भी, उनका उदय भी मंद तीव्र होता है, उनके निमित्त से नवीन बंध भी मंद तीव्र होता है। इसलिए सांसारिक जीवों को कर्मोदय के निमित्त से कभी ज्ञानाधिक बहुत प्रकट होते, कभी थोड़े होते, कभी रागाधिक मंद होते, कभी तीव्र होते, इस प्रकार परिवर्तन होता है। अभी पूरा तो यहां पर नहीं है, फिर पूरा प्रकरण है आगे इसको फैला। देखिए देखिए तथा इस अवसर में मिल रहा है, मिल रहा है सबको, तीसरा पैराग्राफ 312 पेज पर। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे उनके विशुद्धता बढ़ेगी। पकड़ रहे आप सब, ये तो मंद उदय होगा। देखो देखो सुनो सुनो सुनो, और पढ़ते थोड़ा सा, यहाँ फिर से लौट आओ पीछे। देखो वहां कदाचित संगी पंचेंद्र पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करने की शक्ति हुई, तथा इसके कभी तीव्र रागादिक होते कभी मंद होते, वह रागादिक का तीव्र उदय होने से तो विषय कषय अधिक के कार्य में ही प्रवृत्ति होगी। तीव्र उदय एकदम तीव्र है तो उसकी तो विषय कषय में प्रवृत्ति होगी एकदम तीव्र में, और थोड़ा कुछ थोड़ा डाइल्यूटनेस होगा तो फिर उसमें से रास्ता निकाल पाएगा। ध्यान रखना एकदम तीव्र उदय में तो एकदम मंद तो तब भी नहीं जमेगा, यह भी इतना भी पुरुषार्थ जीव का नहीं है, फिर वो तो इतना है कि 90 डिग्री हो तो 80 डिग्री ये करे, लेकिन 100 डिग्री का उदय हो और 0 डिग्री ये करे होगा तो ऐसा भी नहीं। ए समझ में आता है? देखो उदय होने से तो विषय कष आदि में कार्य में ही प्रवृत्ति होती है, तथा रागादिक का मंद उदय होने से बाह्य उपदेश आदि का निमित्त बने और स्वयं पुरुषार्थ करके उन उपदेश अधिक में उपयोग को लगाए तो धर्म कार्य में प्रवृत्ति हो, और निमित्त न बने वो स्वयं पुरुषार्थ न करे तो अन्य कार्य में ही प्रवृत्ति, परंतु मंद राग आदि सहित प्रवृत्ति, ऐसे अवसर में उपदेश कार्यकारी है। विचार शक्ति सहित रहित जो एक इंद्रिय अधिक है, आगे अभी देखो, इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागाधिक मंद हो वह जीव पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त में से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसको उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गवाए, या तो मंद राग आदि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते या व्यवहार धर्मों में प्रवर्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे, उनकी विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी। मिल रहा है सबको? विशुद्धता बढ़ने लग गई वहां पर क्या होने लग गए? कर्म की शक्ति हीन होने लगे, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह को उपशम होगा। तू तेरा काम कर, वहां पर भी कर्म अपने आप पतला होता जाएगा,
तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है, इसी से दर्शन मोक्षम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं। किस में कर्तव्य नहीं? उस कर्म के उपशम में, और इसमें तो पूरा जीव का ही कर्तव्य है। किसमें? ये तत्व निर्णय में जो उपयोग लगाया है, दम लगाई है पूरी, इसमें तो इसी का कर्तव्य पूरा। ठीक है, अभी देखिए आगे और देखिए 313। तथा जब कर्म का उदय तीव्र हो, देखिए एक यहां पर उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण दिया है सुनिए सुनिए सब। अब उसका यह कहना है कि हमको एकदम तीव्र उदय होगा वहां पर तो पुरुषार्थ नहीं हो सकता। थोड़ा मंद उदय होगा, थोड़ा मंद उदय होगा तो तभी तो वहां पर पुरुषार्थ हो सकेगा। समझते हैं? तो कहते हैं हमको उदय कैसे पता चलेगा मंद आया है, और तीव्र उदय में तो पुरुषार्थ ही नहीं हो सकेगा कह रहे। तो टोडरमल जी एक काम एक बात करो कहते हैं, कह रहे तू तत्व निर्णय में निरंतर उपयोग को लगाओ। तो कहते तो उससे क्या होगा? तो उससे यह होगा, ये तू पूरा दम लगाओगे तो तीव्र उदय होगा तो वैसे नहीं लग पाएगा, बात एक। लेकिन तुम तो लगाने का प्रयास करना, तो उससे क्या होगा वो जब ऑटोमेटिक उदय मंद आएगा, तो एकदम तुम लगाने के प्रयास में ही रहोगे तो अपने आप तुम्हारी ट्यूनिंग वहां पर हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ, कितने जन उदाहरण समझते हैं? मैंने एक उदाहरण भी दिया था इसके लिए, आपको याद होगा कि जैसे कोई बाढ़ स्विमिंग कर रहा था, एकदम डैम से ऊपर से पानी छोड़ दिया गया, फिर एकदम फोर्स आया पानी का। अब उसको ऐसा होता है ना, पहले एक दो दिन पहले लीक किया जाता है, न्यूज दी जाती है कि आज ये डैम का ये गेट खोल देंगे, तो क्योंकि फिर नदी में पानी आएगा तो एकदम बाढ़ आ जाती ना, बाढ़ मतलब एकदम लेवल बढ़ जाती ना, फिर उसकी स्पीड बढ़ती, सब बढ़ती। तो मान के चला ऐसा कोई आदमी था, उसको तो पता ही नहीं था, और सडनली उन्होंने 4-5 दरवाजे खोल दिए थे। कोई समस्या, कोई मान के चलो कोई बहुत VIP पर्सन वहां पर आने वाला होगा दूर पर, तो वहां पर पानी की आवश्यकता होगी। जैसे क्रिकेट मैचेस अभी मुंबई में होने का चल रहा था, पानी नहीं है, तो वहां पर अचानक कोई ये बोल दे, मान के चलो एक डैम के सभी दरवाजे खोल दो, पानी का पूरा बहाव मुंबई की तरफ आना चाहिए, अभी वो नदी में पानी आने दो, अभी आवश्यकता है। अब कोई वैसे रोज के हिसाब से स्विमिंग कर रहे, महीने भर के हिसाब से इतनी लेवल है, अचानक स्विमिंग करते करते बीच नदी में चला गया। अभी टोडरमल जी का उदाहरण देखो, चला गया और अचानक उसको पता ही नहीं चला, अचानक एकदम स्पीड बढ़ा पानी का, वो थोड़ा नहीं वो एकदम 5 दरवाजे खोल दिए थे, एकदम स्पीड होने लगा, और इतना स्पीड, अब फिर वो थोड़ा भी हाथ मारने जाए वो जा रहा है बहाव के साथ, बहने लग गया। उसको समझ में आ गया कि पानी का प्रेशर आ गया है पीछे से, अब उसको समझ रहा है कि मेरा बचना मुश्किल है। तो वो बाहर से क्या कह रहा है, कहने वाला तू हाथ पैर हिला, छोड़ मत। तो कह रहे भाई क्या करो, हाथ पैर हिला के जोर नहीं चलता ना, बहाव में कोई निकल सकते हैं क्या हम? कह रहे तू मेरी बात मान, तो हाथ पैर हिलाते रहे। कह रहे क्या करो, बचूंगा थोड़ी? कह रहे तू समझता नहीं है। कह रहे क्यों? क्योंकि बाय चांस यदि गेट के दरवाजे बंद किए जाए, अपन उदाहरण के ही तौर पर लो, तो थोड़ा ये प्रेशर कम पड़ सकता है, तो कहीं चांस मिल सकेगा। एक आगे एक टर्न आने वाला है, नदी मोड़ लेती है, उस टर्न पर थोड़ा उसका फ्लो वो स्पीड थोड़ा मद्दा होता है, तो वहां पर तुम ये प्रक्रिया तुम्हारी बनाए रखोगे हाथ पैर हिलाने की, तो वहां पर किनारे पर तुम पुरुषार्थ करके निकल पाओगे। एक और थोड़ा आगे जाओगे, बिल्कुल वहां पर पेड़ की एक डाली बिल्कुल नीचे झुकी है, उस टर्न पर बिल्कुल जहां पर पानी का बहाव थोड़ा स्लो होना है, तो वहां पर तुम हाथ पैर हिलाते रहोगे पुरुषार्थ पूर्वक, तुम उस डाली को पकड़ लोगे, बस तुम बच जाओगे, तुम हाथ पैर मारते हो। तो फिर वो कहे भाई फिर हम एक काम करेंगे, वो टर्न आएगा तभी हम हाथ पैर मारेंगे, फिर वहां पर फिर अचानक डाली को पकड़ लेंगे। कह रहे तुम्हें नहीं ना पता अभी वो टर्न कब आएगा, तुम तो हाथ पैर मारते रहो, फिर हम तुमको सिग्नल करके बोल देंगे वो आया है हाथ उठा। नहीं कह रहे फिर अचानक सिग्नल कर देना ना। कह रहे नहीं ना, अचानक तुम हाथ पैर नहीं मार सकोगे, वो चला जाएगा और फिर तुम चालू करोगे तब भी काम नहीं आएगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये भी है, कह रहे है तुम अचानक वहां पर हाथ पैर मारना बोल रहे है तो संभव नहीं होगा, क्योंकि बाय देन तुम्हारे हाथ पैर अकड़ गए होंगे। क्या पानी में बहुत देर रहता आदमी,
तो अकड़ जाते हैं हाथ पैर, तो अचानक हाथ पैर थोड़ी मार सकेगा, कहते वो वार्म अप तुम्हारी चलती रहने दो, तो अकड़न नहीं आना चाहिए। तो अचानक तुम्हें बाहर निकलना है तो एक चांस तुमको बरकरार रहेगा। यहाँ पर पूरा सिद्धांत किसमें घटित कर रहे, देखो कोई पुरुष मिल रहा है सबको ऊपर से, और तथा जब कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता, एकदम तीव्र हो तब तो होने का कोई काम नहीं। ऊपर के गुणस्थानों से भी गिर जाता है, धड़ाधड़ ऊपर से गिरता है, वहां तो जैसे होना हो वैसा होता है, परंतु जहां मंद उदय हो और पुरुषार्थ हो सके वहां तो प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य करना। जैसे ये चक्र कैसे टूटेगा उसका प्रश्न है, द्रव्य कर्म से भाव करो, तो कह रही ये मंद उदय आया है ना, तो अवसर कब आएगा, ये अवसर अवसर नहीं तो और कौन सा आया है, मनुष्य पर है तो जैन कुल में जन्मा है, यहाँ पर माता पिता ने कितने सुयोग्य है, देखो आपके माता पिता चाहे तो और अच्छे स्कूल में दाखिल करते, सब करते, उन्होंने बराबर मेहनत से यहाँ पर लाकर छोड़ा, बहुत बड़ा काम किया, आपको संस्कार मिल गए। देखो कोई पुरुष नदी के प्रवाह में पड़ा बह रहा है, वहां पानी के जोर हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब चल ही नहीं सकता, हाथ पैर क्या है, जैसे तैसे मारने का भी प्रयास करे वो पानी ले जाएगा उसको आगे, उपदेश भी कार्य करने और पानी का जोर थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा, उसी को निकलने की शिक्षा देते हैं, और न निकले तो धीरे धीरे बहेगा और फिर पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा। उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है, वह कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्य करने और कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले, उसी को मोक्ष मार्ग को उपदेश देते, और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित विशुद्धता पाकर फिर तीव्र उदय आने पर निगोद आदि परे को प्राप्त करेगा, इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है, इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग को उपदेश देते, उसमें भव्य जन्म प्रवृत्ति करना। समझ में आता है उसका क्या प्रश्न है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, वो श्रृंखला फिर तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ये यहाँ पर भी यही थीम है पूरी, और यहाँ पर भी यही बात है पूरी। इतना विषय जानना कि देखो तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमण आदि होने से एक काल में बंदे अनेक काल में, या अनेक काल में बंदे एक काल में, उदय आने में किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो तब तीव्र ही नवीन बंद हो, तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो तब मंद ही बंद हो, तथा तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंदे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। इसमें आपत्ति यह है समझने में, थोड़ा इसमें समझ नहीं है, तीव्र में तीव्र बंद होगा, मंद में बंद बंद होगा, तो बंद छूटने की बात तो वैसे नहीं बोल रही है, तो अपने को लगाना है ऐसा क्या कि जो मंद उदय आएगा तो मंद में यह मंदतर परिणाम और करे, मंदतर उदय आएगा मंदतम परिणाम करे, जहां पर नवीन बंद होगा ही नहीं, आप समझ रहे, मंद बंद भी वहां पर नहीं होगा, न जगन्य गुनाना नवीन बंद वहां पर नहीं होगा, समझ में आता है। बस फिर नेक्स्ट समय में बोलो प्रणव, तुरंत नेक्स्ट समय में बोलो, हाँ एक जन उत्तर दो अच्छे से समझ कर बोलो, नेक्स्ट समय में फिर तो उदय भी नहीं आएगा। अरे नेक्स्ट समय में फिर उदय भी थोड़ी आएगा कर्म का, अभी उदय मध्यम होता जा रहा है, और इस समय में उसने एकदम भाव इतने मंद किए को नवीन बंद में कारण ही नहीं हो रहे, एज गुड एज उसने वो बस कोई बंद के लायक ही नहीं, पर नेक्स्ट समय में तो उदय भी मंदतम का भी नहीं होकर एकदम वो जोन एकदम क्लीन हो जाएगा, वो दशा ऐसी होगी कि अनुदय वाली दशा होगी, उदय नहीं होगा कर्म का, फिर बस वो शुद्धि का एक पैच आ जाएगा अगेन, समझ में आता है। तो ये अवसर ये तोड़ेगा उस चक्र को, द्रव्य तुम्हारे संसार की श्रृंखला को तोड़ने के अवसर आएंगे, तुम्हें क्या करना, तुम बराबर अपना काम करते रहो, ठीक है। तो ये यहां पर समाधान हुआ, बस अभी ये आगे का प्रकरण चल देखेंगे। ओम नमः।